नमस्कार दोस्तों, महर्षि अगस्त्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो हर आम आदमी की ज़रूरत है, पैसा। तो हम लोग आज बात करेंगे, जो अभी आगे आने वाले शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है, उस रात को हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपके पास बहुत पैसे आए, आपके बिगड़े हुए काम बने और रुका हुआ काम बने। उससे पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये अपील करूँगा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें एक बेल बटन है, जैसा आपको फ़ोटो में दिखाया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको बिल्कुल टाइमली मिल पाएगा। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत ही यूज़फुल जानकारी मिलती है, टोटके से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड और कुछ नए नए टॉपिक जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति अतुलनीय धन चाहता है, वो भी इतना कि पूरे परिवार के साथ किसी भी 5-स्टार होटल में लंबी गाड़ी में जाकर वहाँ लंच कर पाए या डिनर कर पाए। लेकिन सभी के लिए संभव नहीं हो पाता, ये आप लोग सभी जानते हैं। बहुत से लोग अपनी अच्छी खासी नौकरी जो होती है उसे छोड़कर व्यापार की तरफ भागते हैं। भागने वालों में से कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग का हाल ऐसा रहता है कि न तो वो घर के रहते हैं न घाट के होते हैं। एक सफल व्यापारी बनने के लिए सिर्फ धन और बुद्धि की ही ज़रूरत नहीं है, इन दोनों के अलावा किस्मत, उसकी भी ज़रूरत है, भाग्य की भी बहुत ज़रूरत है और भाग्य के साथ में कर्म करने में भी विश्वास रखना चाहिए। तो अगर कर्म हिंदू रीति के हिसाब से अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर कोई टोटका अपनाते हैं, वो भी आपके कर्म में ही माना जाता है, तो आप इस कर्म को कीजिए और अच्छे फल का डेफिनेटली आप उसमें अपेक्षा रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा आने वाला है वो दिन गुरुवार का है। गुरुवार का जो दिन होता है वो विष्णु स्वामी जी का दिन होता है और विष्णु स्वामी जी की पत्नी लक्ष्मी जी है। अगर आप विष्णु स्वामी जी को अगर खुश करेंगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खुश हो जाएंगी और आपको ढेरों धन और वेल्थ देकर जाएंगी। तो हम लोग आज जो उपाय करने वाले हैं वो उपाय ऐसा होगा जिससे विष्णु जी को खुश किया जाता है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी किस किस चीज़ों से खुश होते हैं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले सामग्री जान लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक नारियल लेना है। नारियल लेने के बाद मौली, जो आप रक्षा सूत्र भी जानते हैं, आपको रक्षा सूत्र लेना है। उस रक्षा सूत्र को नारियल के ऊपर में बांध लेना है। साथ में आपको एक रोली सिंदूर लेना है, एक पैकेट जैसा फोटो में आपको दिखाया जा रहा है, वो रोली सिंदूर आप ले सकते हैं और उससे उस नारियल के ऊपर स्वास्तिक बना देंगे। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्वास्तिक होगा वो बिल्कुल सही तरीके से करेक्ट ढंग से बनाएंगे। कुछ लोग स्वास्तिक उल्टा बनाते हैं। ये ऐसा करने के बाद, धागा बांधने के बाद, आप गुरुवार के दिन विष्णु स्वामी जी के लिए पूजा करने के लिए जाएंगे, पूजा करेंगे, बैठेंगे। आपके घर में अगर मंदिर है तो आप घर पे ही पूजा कर सकते हैं, अगर आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर आप पूजा कर सकते हैं। आपको उस दिन एक मंत्र भी बोलना है जब आप पूजा करेंगे। पूजा करने का दिन नॉर्मली ये सुबह से लेकर शाम तक का होता है, लेकिन जो हमारा उपाय आज का है वो 7 बजे शाम के बाद से रात के 11 बजे तक का मुहूर्त है, उस बीच आप पूजा कर सकते हैं। उस पूजा करते वक्त जब आप विष्णु स्वामी जी का पूजा कर रहे होंगे तो आप एक मंत्र बोलेंगे जो अष्ट मंत्र है, अष्ट अक्षरी मंत्र है, ओम नमो नारायण। ये आपको ध्यान से बोलना है, ओम नमो नारायण, ये आपको प्रॉपरली बोलना है। जो आप अपने, अगर कोशिश करेंगे, जो आपने वस्त्र पहना है, जो कपड़ा पहना है वो आप नीला कलर का पहनेंगे और ये ऐसा ओम नमो नारायण आपको 8 बार बोलना है, क्योंकि जो विष्णु जी का नंबर है वो 8 नंबर है। और आपको जो फूल चाहिए होगा पूजा पे चढ़ाने के लिए, आपको कमल का फूल रखना है, बिकॉज कमल का जो फूल होता है वो विष्णु जी का भी फूल है और लक्ष्मी जी का भी फूल है, इससे वो दोनों प्रसन्न होंगे। तो आपको 8 कमल के फूल रखने हैं जो आपको उस पे चढ़ाना है। अब मैं आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़,
आपको ये इस पूजा पे बैठने से पहले खुद को स्वच्छ करना है, शुद्ध करना है। इसके लिए बेहतर ये होगा कि अगर आप 7 से 11 के बीच में, जो शाम के वक्त का मैंने टाइम बताया है, उससे पहले अगर आप स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर जो जातक या जो व्यक्ति नहा नहीं सकते हैं शाम के वक्त, किसी वजह से प्रॉब्लम है, तो उनके घर में गंगा जल होगा, गंगा जल छिड़क सकते हैं अपने सिर के ऊपर में और वो खुद को शुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा चंदन, जो चंदन होता है, वो थोड़ा सा पानी लेकर, जल लेकर या गंगा जल लेकर, चंदन से आप खुद को तिलक लगा सकते हैं, गर्दन में, गले में आप तिलक लगा सकते हैं और दोनों कान में भी आप तिलक लगा सकते हैं, चंदन का तिलक लगा सकते हैं, और ऐसा करके आप खुद को शुद्ध कर सकते हैं। आप जिस पूजा पे बैठ रहे हैं, वहाँ जो आप अपने आसनी लगाएंगे, जिस पे आप बैठने वाले हैं, वो साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए। आपने जो कपड़ा पहना है वो भी कोशिश कीजिए कि आप साफ़ सुथरा धुला कपड़ा पहनिए। अदरवाइज़ नॉर्मली गंगा जल एक ऐसा पवित्र जल है जो हर कुछ को शुद्ध कर देता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पूजा कर लेंगे तो आपको मुद्रा भी चढ़ानी होती है, तो मुद्रा जो आप चढ़ाएंगे वो 8 सिक्के होंगे। सिक्का वो 1 रुपये का हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 2 रुपया, 5 रुपया, जो भी होगा, आप जो सिक्का चढ़ाएंगे वो 8 के मात्रा में होनी चाहिए। 8 सिक्का आपको चढ़ाना है पूजा के बाद, और जैसे ही आप पूजा कर लेंगे, जो उसमें नारियल आपने चढ़ाया होगा पूजा के लिए, वो अगले दिन आप जब जिस दिन पूजा कर चुके होंगे, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के रात के अगले दिन सुबह आपको वो विसर्जन करना है, या आपको वहाँ से हटाना है, पूजा के स्थान से हटाना है। तो आप उसको जब हटाएंगे तो आप कहीं भी, कहीं अगर आसपास जल का स्रोत है वहाँ पे आप इसको प्रवाह कर सकते हैं, या तो कहीं पे अगर आप सुनसान जगह है या जंगल है, आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये पैर नहीं लगना चाहिए इस पे। आपने जो भी सिक्का चढ़ाया है वो आप पास के मंदिर में जाकर पंडित जी को दान दे सकते हैं, और आप ये उपाय करके देखिए, आपको बिल्कुल फल मिलेगा। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा आपके लाइफ में जब भी आता है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसे शुक्ल पक्ष पूर्णिमा इस बार तो 5 अक्टूबर को आ रहा है, जो 5 अक्टूबर को आप 7 बजे से 11 बजे के बीच में आप उपाय कर सकते हैं, और आगे जब भी ये शुक्ल पक्ष पूर्णिमा आएगा तो आप इसको उपाय कर सकते हैं, और आपको डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया फल देगा। किस कुछ कुछ जातक को परेशानी ये होती है कि एक बार में रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उनको 5 बार या 8 बार 7 बार या 8 बार या 11 बार या 21 बार करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि उनके कर्म ऐसे रहे होंगे कि वो एक बार में फल नहीं मिल रहा होगा, तो आप ये करके देखिए, और फिर करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोग ये उपाय कीजिए और फिर मुझे आप इसका रिजल्ट ज़रूर बताइए। आज के लिए बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर, और भी मैंने 2 उपाय बताए हैं, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। एक उपाय है जिसमें अगर आपको किसी तरीके का कर्ज है तो आप कर्ज से मुक्त कैसे हो सकते हैं, इसके मैंने 3 उपाय बताए हैं, और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है और अच्छे रिजल्ट भी पाए हैं। तो आप जाकर देखिए, मैं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट के फर्स्ट कमेंट में मैं दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया है, जो कि जिसका टाइटल है, टॉपिक है, आकस्मिक धन लाभ पाने का एक छोटा सा उपाय। ये भी काफ़ी लोगों ने सराहा है, तो आप बिल्कुल इसको जाकर देखिए, दोनों वीडियो को जाकर देखिए, दोनों वीडियो के कमेंट में आप देखिए, लोगों ने काफ़ी सराहा है इसको, उनको अच्छे फल मिले हैं। लेकिन बस आपको उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। जब भी आप कोई उपाय करते हैं दोस्त, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप उपाय करने के लिए उतावला हो रहे होते हैं, उसी तरीके से आपका यकीन भी होना चाहिए। अगर आप विश्वास रखते हैं खुद पे कि ये आपको फल देगा, तो वो बिल्कुल फल देता है, 100% फल देता है। और अभी ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि अगर आप में विश्वास है तो वो काम पूरा नहीं हुआ हो। तो आप इस 3 वीडियो को देखिए और उपाय कीजिए, और बिल्कुल अच्छा फल मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।